कुछ इस तरह का कि आज हम हमारा घर दिखाने वाले हैं आपको। तो जैसे कि ये तो मेरा रूम है, आपको मालूम ही है, और मेरे घर में कितने रूम हैं, क्या क्या है, कुछ है, सब कुछ दिखाऊंगा आज आपको। तो बने रहना इस वीडियो के अंदर, और यार सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ यार गाइस, जल्दी से 1000 सब्सक्राइब तो पूरे करवा दो यार, फिर आके देखेंगे अच्छे अच्छे लोकेशन पर, अच्छे अच्छे व्यू। और मेरा प्लान है अब कल जाने का दिल्ली, नहीं सॉरी मुंबई जाने का प्लान है। अभी मजा आएगा ना, मैंने तो मुंबई जाऊंगा तो आपको मैं मुंबई का लोकेशन दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा मुंबई जाऊंगा जब तो आप मेरे को बता देना कि ये लोकेशन सर मेरे को देखनी है, तो आपको मैं मुंबई का लोकेशन दिखा दूंगा, बहुत अच्छे लोकेशन मिलते हैं वहाँ पे। तो कल जाएंगे और कम से कम हम वहाँ पर 1 महीना रह के आएंगे गाइस। तो चलो आगे दिखाते हैं आपको हमारा घर। तो जैसे कि गाइस देखा आपने, उस साइड में था वो मेरा वाला रूम था, और ये वाला है जो हमारे बड़ा मेरे काका जी है उनका रूम है ये तो, और यहाँ पर मेरी दादी सा मतलब पूजा वगैरह करती है, और बाकी ये रूम है, छोटा सा रूम है गाइस, 10x15 का रूम है, मतलब 15 फीट चौड़ा और 10 फीट ऐसे, जो मतलब आपको मालूम ही होगा गाइस। ठीक है, तो जैसे कि आपने ये रूम भी देख लो आप, फिर आप बोलोगे यार मेरे को अच्छे से नहीं दिखाया गाइस, देख सकते हो आप वापिस से मैन डोर है। और ज़्यादा मैं मतलब वो हूँ नहीं गाइस के बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास बंगला वगैरह है, इतना बड़ा आदमी हूँ नहीं गाइस, मेरे को खुद घर का काम खुद को चलाना पड़ता है गाइस। तो चलो देखते हैं, जैसे कि गाइस हम इस टाइम आ चुके हैं हमारे किचन के अंदर, जो किचन का अभी काम बाकी है, लेकिन तो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्यों, फिर आप बोलोगे यार तुम्हारे घर में सिर्फ 2 रूम ही है क्या, किचन वगैरह नहीं है, बाथरूम वगैरह नहीं है? तो गाइस बाथरूम और किचन वगैरह सब मतलब तैयार होने का है। तो जैसे कि गाइस ये है ना गाइस, ये चिमनी है, चिमनी मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा राजस्थान से होगे तो। तो जैसे कि ये रूम है, और ये हमारा यहाँ पर खाना बनाने का सिस्टम वगैरह सब यहीं है। ठीक है, और आपको क्या दिखाऊँ, अच्छा मेरी बाइक दिखा देता हूँ आपको, और तो क्या दिखाऊँ। तो जैसे कि गाइस ये हमारी बाइक, और ये अपने वो आपको मालूम ही है बाथरूम वगैरह। चलो